गया, हमारे फोटो खींचे और हमारे वीडियो बना के वहाँ पर 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे उन लोगों के साथ। वो लोग आपस में हमारे फोटोज को शेयर करने लगे और वो लोग जब हमारे फोटो ले रहे थे तो वो दरवाजे पे 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर हमारे चेहरे को देख रहे थे। मेरा नाम सैयद अब्दुल कादिर है और मैं नवसारी से हूं और एसडीपीआई का नवसारी का प्रमुख हूं। मैंने एक मैसेज, मुझे एक खबर आई थी कि कहीं पे कुछ मामला हुआ है, जिस सिलसिले में मैंने एक मैसेज वायरल किया था जो कोई गुनाह नहीं है, जो किसी गुनाह में नहीं आता है। उस मैसेज के सिलसिले में हमारे कुछ लोगों को दोपहर के 3 बजे से लेकर के रात तक पुलिस स्टेशन में बहुत हरासा किया गया और एसपी साहब की तरफ से, नवसारी के एसपी साहब की तरफ से मुझे खुद और हमारे साथी को धमकी दी गई के और बहुत सारी गालियों से बात की गई हमारे साथ और धमकी दी गई कि 7 दिन में तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे और तुम्हारी किडनियाँ तक निकाल कर बेच देंगे अगर आपने बाहर जाकर कुछ भी किया है तो। हमारे सेक्रेटरी साहब मोहम्मद भाई को दो पुलिस वालों ने पकड़ के, जो है एक पुलिस वाले ने लकड़ी के फटके मारे, तो ये सारा जुल्म हमारे पे हुआ और बहुत गंदी जुबान हमारे साथ इस्तेमाल की गई है। हमारी ये मांग है ऊपर के अधिकारियों से कि ऐसी मानसिकता रखने वाले एसपी साहब को फौरन से बर्खास्त किया जावे नवसारी से, और सुकून सलामती और अमन की बात करने वाले एसपी साहब को नवसारी में भेजा जावे, जैसे कि बलसाड़ के एसपी साहब है। जब हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस टाउन पुलिस के अंदर ले जाया गया, उसकी हमें पता चला कि मतलब उन लोगों को ले जाया गया है, तो हमारी 8-10 लेडीज़ हैं, उनमें से कुछ उनकी वाइफ्स भी थी, तो हम सब मिलकर एसपी ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे कि मामला क्या है ये पूछने के लिए। तो हमको तकरीबन 8:30-9 बजे की बात है रात की, तो हम लोगों को अंदर एसपी ऑफिस में बुलाया गया। अंदर वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर हम लोगों को बिठाया गया, तो वहाँ पर दो लेडी कांस्टेबल आती हैं और बोलती हैं कि चल चल तेरा ये नकाब उठा, ये हिजाब तेरा जो ये हमारा नकाब है ये उठा, जो हम किसी और के सामने नहीं खोलते हैं, किसी गैर मर्द के सामने, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो वो हमारे नकाब को उठा के हम वो कहती हैं कि अगर तुम लोग नहीं खोलोगे तो जो एसपी साहब है वो एसपी साहब आवीने तुम्हारा नकाब खींच से अने तुमने गाड़ो आपसे, इस तरह का हमसे मतलब इस तरह की बदसलूकी हमारे साथ की गई। तो हमारी जो लेडीज़ें थी और हम लोग डर के हमारे नकाब को ऊंचा करके हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए। हमने पूछा कि हमारा गुनाह क्या है, तो हमारा कोई गुनाह बताया नहीं गया, हमारे फ़ोटो खींचे और हमारे वीडियो बना के वहाँ पर 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे उन लोगों के साथ। वो लोग आपस में हमारे फ़ोटोज़ को वहाँ पर 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे उन लोगों के साथ वो लोग आपस में हमारे फ़ोटोज़ को शेयर करने लगे और वो लोग जब हमारे फ़ोटो ले रहे थे तो वो दरवाजे पे 15 से 16 पुलिस इंस्पेक्टर हमारे चेहरे को देख रहे थे। पुलिस कांस्टेबल हमारे मतलब पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो हमारे चेहरे को देख रहे थे। ये हमारा इसमें हमारा प्रोटेक्शन क्या, संविधान हमारा हमें प्रोटेक्शन देता है, जो सुरक्षा कर्मी है वही हमारे साथ इस तरह का सुलूक करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन हमारी सुरक्षा का क्या। मैं आप सबके जरिए यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पे कार्यवाही की जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।